Tony. संस्कृत में अक्षरों को मिलाकर के शब्द बन जाते हैं और शब्दों के अर्थ हो जाते हैं। आमाने नहीं, आमाने नहीं, और यह माने जो, यह माने जो, आ यो और नी, नी माने निश्चय, कुछ नहीं, अर्थात जो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म मात्र है। क्या यो माने जो और नी माने निश्चय, जो जैसे कि है ही नहीं, निश्चय कुछ नहीं है, और फिर उसको आ और लगा दिया, वो है शिव। शिव ही ऐसा है जो आयोनी है, उसके अलावा जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्यों की हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, कीड़े मकोड़ों की हो, जड़ जीव जंतु जो भी हो, सब योनि जो है, योनि से जन्म होता है, उनका जन्म ही गड्ढे से होता है। एक शिव है जिसका योनि से जन्म नहीं होता है, गड्ढे से जन्म नहीं होता है, उसका जन्म भी होगा तो ऊंची स्टेज से होता है, नीची स्टेज से जन्म नहीं होता है। हाँ, इसीलिए तो जब ब्राह्मण चोटी बांधते हैं तो उस चोटी में गोल शिव का निशान बन जाता है। वो शिव ही कल्याणकारी है, बाकी जितने भी नामधारी हैं सब अकल्याणकारी है उसके मुकाबले। वो ऊंचे से ऊंचे है, इसलिए चोटी में ऊंची स्टेज में वो गोल गोल लिंग बनाते हैं ब्राह्मण। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इस शरीर में इस हिस्से को परम धाम कहते, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मलोक। हाँ जी, और ओम नमो वासुदेवाय नमः मातरम् बाबा। वसु कहते हैं धन संपत्ति को, वसु माने धन संपत्ति। एक होती है हद की धन संपत्ति और दूसरी होती है बेहद की धन संपत्ति। तो बेहद की धन संपत्ति क्या है? ज्ञान। कहां से आता है वो बेहद की धन संपत्ति? ज्ञान, जिसे हम ब्राह्मण लोग मुरली कहते हैं,
कहाँ से आती है? है? अरे मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, दुनिया तो मुरलीधर समझती है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा तो बच्चा दिखाई जाती है, अर्थात बच्चा बुद्धि है, वो कैसे ज्ञान सुना देगी? ऊंच और नीच का ज्ञान, गुप्त ज्ञान बच्चा क्या जाने? गुहे ते गुहे राज बच्चा जानेगा क्या? बच्चा तो नहीं जानता। हाँ बाप है जो श्री कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला है, वो बाप ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, मुरली है। तो कहावत मुरली से प्यार माना भगवान से प्यार, तो भगवान का असली रूप क्या है जिससे हमें फायदा हो जाता है? दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा फायदा, अरे भगवान का वो स्वरूप क्या है जिससे हमें बड़े से बड़ा फायदा हो जाता है? है? कहेंगे बिंदु, बिंदु तो सभी है, सभी बिंदुओं से फायदा हो जाता है क्या? नहीं, उसमें भी ज्ञान, जानकारी सच्चाई की, सत्य क्या है, और बिंदुओं में भी सत्य बिंदु क्या है, जो 100% सत्य है, 100% चैतन्य है, कभी भी जड़त्व बुद्धि नहीं है, सदैव त्रिकालदर्शी है, सदैव आनंद देने वाला है, उसका ज्ञान चाहिए। तो भगवान आता है हमको क्या देता है? ज्ञान धन देता है। जो ज्ञान धन देने वाला है वो ही वसु कहा जाता है, वसुदेव। क्या? वसुदेव, ब्रह्म का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, ऐसे ही वसु का बच्चा वासु। तो कृष्ण का नाम क्या है? वासुदेव। कृष्ण वाली आत्मा वासुदेव और उसका बाप वसुदेव, ये दोनों का नाम हम क्या बोलते हैं? अरे हम क्या बोलते हैं उन दोनों को? रामकृष्ण भक्ति मार्ग में बोलते हैं बाप दादा, हम क्या बोलते हैं? बाप दादा। तो भक्ति मार्ग में वासुदेव कृष्ण का नाम है, कृष्ण के नाम को तो जानते हैं वासुदेव, लेकिन जो इस जेल की दुनिया में आया हुआ है, जिसे ये दुनिया क्या लगती है, जैसे मैं जेल में आके पड़ा हूं, उसे परमधाम में अच्छा लगता है या इस दुनिया में अच्छा लगता है? है? वो परमधाम का वासी है, लेकिन कहता है मुझे इस दुनिया में आना पड़ता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, इसे पतित से पतित दुनिया में आना पड़ता है और पतित से पतित तन में आना पड़ता है। तो जेल में आता है या महलों के सुखों में आता है? जेल में आता है, इसलिए उस जेल में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। कृष्ण वाली आत्मा भी बुद्ध रूपी गर्भ में पल रही है,
ज्ञान ले रही है। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी तो कृष्ण को भी लोग पहचानेंगे, अर्थात वासुदेव को भी पहचानेंगे, और उसके बाप वसुदेव को भी पहचानेंगे। और हाँ जी बंद कर माता के गर्भ में बच्चे पिंड होता है ना, हाँ जी, उसके अंदर आत्मा जाने के समय इस ज्ञानेन्द्र के द्वारा गति में है, इस ज्ञानेन्द्र के आधार रास्ता, इस ज्ञानी के आधार ज्ञानेन्द्र के आधार पर जाती है, इसका ज्ञानेन्द्र से जाती है अंदर आत्मा, इंद्रिय के द्वारा ही जा सकती है, जहाँ इंद्रिय न हो उस रंध्र के द्वारा नहीं जा सकती। शरीर में कितने रंध्र कितने छिद्र हैं, छोटे 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 अणु समान ढेर के ढेर शरीर में छिद्र होते हैं। आत्मा सिर्फ 10 इंद्रिय में से ही जा सकती है, या 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही जा सकती है, या कोई भी रंध्र के द्वारा जा सकती है, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जा सकती है, है? अरे आत्मा को प्रवेश करने के लिए इंद्रियां ही जरूरी हैं, या कोई भी रंध्र अर्थात छिद्र के द्वारा जा सकती है, है? कोई भी छिद्र के द्वारा जा सकती है। और हाँ उनकी तो अंधश्रद्धा है कि ऊपर की इंद्रियों से शरीर छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा ऊपर जाएगी, जैसे कोई बंदूक हो उसमें से गोली निकलेगी तो ऊपर बंदूक है तो ऊपर ही जाएगी। जिसकी इंद्रियों से पकड़ करके आत्मा को खींचते हैं ये तो मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, ये स्थूल चीज है या सूक्ष्म है, ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज है, इसको पकड़ने की बात नहीं है। और वैज्ञानिकों ने आत्मा की ताकत को जानने के लिए किसी मरणासन्न आदमी को जो मरने वाला था डॉक्टरों ने पक्का कर दिया अब ये मर जाएगा, उसको शीशे में बंद कर दिया चारों तरफ से, और जब आत्मा निकली तो शीशा फाड़ के निकल गई। तो माने आत्मा अति सूक्ष्म है, जो चीज अति सूक्ष्म होती है उसमें ताकत जास्ती होती है। और ये तो गर्भ जेल है दुनिया, सत्युग में गर्भ जेल होती है क्या, है? गर्भ जेल थोड़े ही होती है, बात तो बच्चे पैदा भी होंगे तो कोई 2 महीने वो 2 साल 3 साल पड़े पड़े टट्टी पेशाब साफ नहीं करनी पड़ेगी,
वो तो पैदा होते ही जैसे गाय सात्विक जानवर है, बच्चा पैदा हुआ और उछलने लगा दौड़ने लगा। अरे क्यों 10 महीना रहेगा वहाँ? वहाँ पेट का भारीपन महसूस होगा क्या? नहीं, वहाँ तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, गर्भाधान से लेकर के और जब शरीर छोड़ेंगे तब तक आराम ही आराम, आनंद ही आनंद की दुनिया है। किसी प्रकार का जेल अनुभव करने की बात नहीं है। और यहाँ का और वहाँ का जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ की जो पैदाइश है वो श्रेष्ठ पैदाइश है, यहाँ की पैदाइश को भी श्रेष्ठ नहीं कहेंगे और अंत अर्थात मृत्यु को भी श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। वहां यहाँ तो घावड़े आ करके लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद मौत होती है, कोई 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 तो महीनों ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, धन सारा खर्च कर देते हैं, रगड़ रगड़ के मौत होती है। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां तो शरीर भी छोड़ेंगे तो पहले से पता लग जाता है कि अब ये शरीर त्याग देना, जैसे कपड़ा उतारते हैं तो सहज ही उतारा या कसा हुआ कपड़ा है, है कि शरीर में आग लगी तो उतारना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करें? वहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता, एक सेकंड में आत्मा शरीर त्यागती है। और बाद में प्रवेश होता है गर्भ में बाबा, एक सेकंड में, एक सेकंड में प्रवेश करती है आत्मा, गर्भ में प्रवेश करती है। बड़ी चिंता हो रही है पहले आत्मिक स्टेज लाने के लिए बार बार आत्मा को याद करो, देह को भूल जाओ। अरे बार बार देह याद आती है, बार बार देह को भुलाना और बार बार आत्मा को याद करना है, है? तो बाप ने जो कर्म करने के लिए मना किया है वही कर्म तुम करते होगे तो याद कहाँ से आएगी? बाप ने जो कर्म करने के लिए मना कर दिया, जैसे वैद्य लोग हैं दवाई देते हैं तो कहते हैं तेल मत खाना, लाल मिर्च नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। ऐसे ही बाप ने आत्म की स्थिति पक्का कराने के लिए कोई पथ्य दिया है, जो पथ्य को पालन करेंगे, अपथ्य भोजन नहीं करेंगे
तो आत्मा की याद रहेगी। अपथ्य भोज करेंगे तो आत्मा भी भूलेगी और फिर सौ गुना पाप कर्म भी बनेगा और फिर देहधारी ज्यादा याद आएंगे कि आत्मा याद आएगी। कंप्लेंट किसको कर रहे हाँ? सात्विक आहार है, स्थूल आहार की सिर्फ बात है, सिर्फ स्थूल भोजन की बात है या आत्मा का जो भोजन है उसकी भी बात है? है ये पेट का भोजन तो स्थूल भोजन है, अरे आत्मा का भी कोई भोजन है कि नहीं है? आत्मा का भोजन है सुख, वो सुख शांति और प्यार। व्यभिचारी लेना है या अव्यभिचारी लेना है? हैं? अव्यभिचारी लेना है। अव्यभिचारी भोजन की जगह व्यभिचारी लेना शुरू कर दिया तो अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? अन्न दोष लगेगा, बुद्धि खराब होगी, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, दस्त हो जाएंगे, बुखार भी आ सकता है, दुखी दुखी हो जाएंगे। वो है स्थूल भोजन का पेट और ये है सूक्ष्म भोजन। ज्ञान नहीं, अज्ञान भी होता है। और प्रकृति तो सतयुग में होती है, सतो सामान्य भी त्रेता में होती है, त्रेता के अंत में सतो सामान्यता की भी चौथी स्टेज होती है, थर्ड क्लास भी नहीं, फोर्थ क्लास स्टेज हो जाती है। सतो सामान्य में भी तमो प्रधान चौथी स्टेज, तब विनाश होता है, वो भी आधा होता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विनाश हो जाए तो जो विकारी सुख मिलता है वो भी खत्म हो जाए, आधा विनाश होता है तो जो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है वो खत्म, अभ्रष्ट इंद्रियों का सुख चालू हो जाता है। और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम होता है, 700 ब्राह्मणों को एक तरफ रखो और एक कुमार को एक तरफ रखो तो उस एक कुमार में इतनी ताकत होगी जितनी 700 में भी नहीं होगी, और फिर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। क्या? एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम, सौ ब्राह्मण एक तरफ और एक कन्या
एक तरफ ऐसा क्यों कहा गया, कन्या तो पवित्र होती है या नहीं, तो कन्या का वजन तो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, हैं? ज्यादा होना चाहिए, फिर भी बाबा कुमार का पक्ष ले लिया, क्या बाबा ने किसकी बढ़ाई कर दी, हैं? कन्याओं की बढ़ाई कर दी, कहाँ कर दी, कह दिया एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम और एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम, तो ज्यादा पावरफुल किसको बता दिया, कुमार को ज्यादा पावरफुल बता दिया। बाबा दो दो तरह की बातें करते हैं क्या, कहते मैं कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाता हूं, जबकि देखो यहां कुमारों को आगे रख दिया, ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, और कुमारियों को कम शक्तिशाली बता दिया। है हाँ माना, अगर पढ़ाई पढ़ाए ईश्वर का ज्ञान सुनाए तो कन्याएं माताएं सुनाए या कुमार सुनाए, कन्याएं माताएं सुनाए तो कन्याएं माताएं श्रेष्ठ होनी चाहिए या कुमारों के मुकाबले कम श्रेष्ठ होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो यहाँ तो सातवां हिस्सा भी नहीं रखा। फिर कहते हैं कुमारों में इतनी शक्ति है कि जो चाहे सो कर सकते हैं, कुमारियों के लिए नहीं कहा, कहा कुमारियों के लिए ये नहीं कहा कि कुमारियां जो चाहे सो कर सकती है, तो सर्वशक्तिवान का टाइटल किसका हो गया, कुमारों का या कुमारियों का, कुमारों का हो गया। तो बाबा बोलते कुछ और हैं, अब देखने में तो कुछ और आता है। इसलिए बोला कि कुमारों को बाहर की दुनिया में ज्यादा रहना पड़ता है या कुमारियों को ज्यादा रहना पड़ता है, कुमारों को बाहर की दुनिया में रहना पड़ता है और कुमारियों को अंदर की दुनिया में रहना है, तो ज्यादा सेफ्टी किसकी रखी जाती है, कुमारियां सेफ में रखी जाती है, कुमारों को सेफ में नहीं रखा जाता, बाहर की दुनिया में रहते हैं, संघ का रंग ज्यादा किसको लगता है, कुमारों को ज्यादा संघ का रंग लगता है और कुमारियों को ना के सबल। तो एक कारण तो ये हुआ कि कुमार अगर बाहर की दुनिया के संग के रंग में रहकर भी अगर कुमार बन के रहता है तो बाबा की दृष्टि में और सब की दृष्टि में ज्यादा पावरफुल आत्मा है या कम पावरफुल आत्मा है, और उसी वातावरण में कोई कुमारी को रख दिया जाए चौराहे पर, रात में रहो रात बिताओ चौराहे पर, दिन बिताओ चौराहे पर, तो क्या कन्या सर्वशक्तिवान बनेगी या अबला बन जाएगी,
कन्याओं के शरीर की रचना कन्याओं माताओं की ऐसी कोमल होती है काया कि वो संसार के संग के रंग में आकर के अपने को सबल बना के नहीं रख सकती। जब तक नहीं रह सकती, जब तक कि तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंध से हर प्रकार से भगवान के प्रति 100% अर्पण न हो जाए। कागज में लिखने की बात नहीं है, क्या प्रैक्टिकल जीवन में हर प्रकार से भगवान की बन करके रह जाए, शिव की शक्ति हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति साबित न हो, किसकी सजनी बन जाए, है शिव की सजनी बन जाए, किसी दूसरे के प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं हो, आंख से भी प्रभावित नहीं, कान से भी प्रभावित नहीं, कोई सुनाई देता है बस दिल के अंदर ग्लानी भर जाती है, आ ऐसा ही होगा, अः भगवान भगवान नहीं शैतान आया हुआ, ठीक तुमने कहा, तो कान प्रभावित हुआ ना, कान प्रभावित होता ही नहीं, तो कन्या के कान भी कच्चे ना हो, आंख भी कच्ची ना हो, जो किसी की आंख से प्रभावित हो जाए, कोई भी इंद्रिय कच्ची ना हो, प्रबल हो, ऐसी प्रबल जो शास्त्रों में दिखाया है, क्या दिखाया है कि भैंसासुर को भगवान भी नहीं मार सके, भस्मासुर को भगवान भी भस्म नहीं कर सके, उसको स्त्री रूप ने कंट्रोल कर लिया, भस्म कर दिया, इतनी महिमा है शिव शक्ति की। शिव तो सिर्फ शिव ही है, कल्याणकारी है, शक्ति नहीं कहा जाता, शिव अलग और शक्ति अलग, लेकिन ज्यादा ताकत किसमें है, उसका नाम ही शक्ति है। ऐसी शक्तिशाली अगर कन्या बन जाए तो 700 ब्राह्मणों से उत्तम होगी या निम्न होगी, है उत्तम कही जाएगी, और कुमार भी जिसको 700 ब्राह्मणों के समान बताया गया वो कुमार भी बाहर की दुनिया के संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी कुमार हो, क्या कभी भी किसी भी कुमारी या कोई माता या कोई माँ व्याहिनी के चक्कर में फंसने वाला नहीं हो, सब कुमार कहा जाएगा। तो ऐसा कुमार 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम है, जो बाहर की दुनिया के प्रभाव में रह करके भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला साबित हो जाए। और उस कुमार का गायन भी है, क्या गायन है, शास्त्रों में भी गायन है,
है या नहीं? क्या नहीं? हाँ, अरे रे 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 रे, दूसरी बात बाद में। अब बुद्धि कहाँ चली गई? अरे बाबा कुछ बोल रहे हैं क्या? जो गधा भरेक रहा है। अरे बाबा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि गधा चिल्ला रहा है? भाई बुद्धि कहाँ चली गई? कृष्ण में चली गई। तो क्या जवाब आया है? यवन श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण माने कान, कान का कुमार। कान है ब्रह्मा बाबा कर्ण, और ब्रह्मा बाबा की औलाद, असली औलाद, पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को जीवन में जिसने 100% धारण किया, वो मुखवंशावली कुमार, उसका नाम क्या हुआ? श्रवण। उसका शास्त्रों में बहुत श्रवण होता है, उसकी कथा सुनाई जाती है। ऐसी कथा है उस कुमार की जो और कोई कुमारों की कथा नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का काम संपन्न होता है। कुमार तो ब्रह्मा के चार हैं, लेकिन चार कुमारों ने वो धर्म स्थापन करने का काम नहीं किया, चार ने, लेकिन एक ने किया। क्या नाम? सनत कुमार। उसके बारे में ये बात लागू होगी क्या कि 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम एक कुमार, सात जो कुमार हैं वो सात धर्म के स्थापना करने के बीज साबित हो जाते हैं। उन सातों बीजों में इतनी ताकत होती है कि वो 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। क्योंकि हर धर्म में माला बनी हुई है ब्राह्मणों की। ज्यादा से ज्यादा माला में कितने मणके होते हैं जो राजा ही प्राप्त करने वाले हैं अपने अपने धर्म में? 100, 108। और धर्मों की भी मालाएं हैं। तो सात धर्म हैं नीची कोटि के। उन नीची कोटि के सात धर्मों की जो मालाएं तैयार होती हैं, वो 700 ब्राह्मण हो गए। कितने हो गए? 700 ब्राह्मण। उन 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम वो ब्राह्मण है। जिनसे सप्तऋषि जन्म लेते हैं, जिनका कितना गायन है, और कुमार
माता जी के पास में है आदर कुमारी, माता जी और आदर कुमारी, माता जी माने आदर कुमारी और जिन्होंने शादी की हुई है या बच्चे पैदा किए हुए हैं वो अधर कुमार, हाँ उनके बारे में। ऐसा गायन नहीं क्या अधर कुमारी का गायन नहीं है कोई अधर कुमार का भी ऐसा गायन है क्या? एक कुमार का अधर कुमार है सप्तऋषि, सप्तऋषि अधर कुमार हैं या कुमार हैं, शादीशुदा हैं या बैचलर हैं? है शादीशुदा हैं, अधर कुमार हैं, वो सप्तऋषि हैं, सात पवित्र आत्माएं तो हैं और उनसे जो जनरेशन चलती है वो सात धर्मों की जनरेशन चलती है। क्या? वशिष्ठ ऋषि, चंद्रवंश, फिर और वंश के ऋषि, कोई इस्लाम धर्म का, कोई क्रिश्चियन धर्म का, कोई बौद्धि धर्म का, कोई किसी धर्म का, सिख धर्म तक वो सप्तऋषि गाए हुए हैं। वो सप्तऋषि, उनसे जो कुल चलता है ब्राह्मणों का, उनमें जो माला बनती है लगभग 100-100 की, वो 700 ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। उन 700 ब्राह्मणों में परसेंटेज में निष्कृष्टता भरी हुई है या उच्चता भरी हुई है? हैं? निष्कृष्टपना भरा हुआ है और धर्मों का, कमजोर धर्मों का। वो 700 ब्राह्मण उतने श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जो सूर्यवंश में निकलने वाले कुमार हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो सनातन धर्मी हैं, असल सनातन धर्म के, इसलिए अधर कुमार सप्त ऋषियों के रूप में गाए हुए हैं। और जो कुमार हैं वो अष्टदेवों के रूप में हैं, उनमें भी चार जोड़े हैं, माना चार कुमार श्रेष्ठ हैं। इसलिए अधर कुमार और अधर कुमारी में जैसे अंतर है, मुख्य अधर कुमार और मुख्य अधर कुमारी कौन, वो कुमारी कौन है, कन्या कुमारी और अधर कुमारी, दो कुमारियों का गायन है। एक कन्या कुमारी, वो भी ब्राह्मण बनने के बाद कन्या ही रहती है। एक अधर कुमारी, माने भले शादी की हुई हो, युगल वृत्ति बुद्धि में पहले से ही भरी हुई हो, फिर भी अर्ध कुमारियों के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, वो कुमारियों के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कुमारी कन्या वो किसका पार्ट है? कुमारी कन्या और अधर कुमारी का किसका पार्ट है?
अदर कुमारी जगदम्बा और कुमारी कन्या वैष्णवी। तो अदर कुमारी जो जगदम्बा का पार्ट है वो अदर कुमारियों के बीच में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो है लेकिन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य दिया हुआ है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता क्योंकि अर्धकुमारी है, वो ताकत नहीं रहती। जो कुमार जीवन की ताकत होती है पहले बच्चे को जन्म देती है, वो पहला बच्चा राज्य का अधिकारी बनता है, सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, वो रचना गवाय दी। किस लिए गवाय दी? क्योंकि स्वयं क्या बन गया है? अर्धकुमार बन गया। स्वयं अर्धकुमार बनने के कारण रचना भी अधूरी रहती है या संपूर्ण होती है, अर्ध रह जाती है। तो जो सप्तऋषि है उनसे सात कुरियों के ब्राह्मणों का जन्म होता है। जो ब्राह्मण आस्तिक तो हैं, बल नास्तिक नहीं है, पवित्रता को मानने वाले तो हैं लेकिन नीची कुरी के ब्राह्मण हैं। सप्तऋषियों से जिन ब्राह्मणों का जन्म होता है वो नीची कोटि के ब्राह्मण हैं, उतनी ऊंची कोटि के ब्राह्मण नहीं है। जो सनत कुमार से जन्म लेते हैं तो नौकुरी के ब्राह्मण हैं, जो भक्ति मार्ग में गए हुए हैं। एक सप्तऋषियों से उत्पन्न होने वाले आस्तिक, एक नास्तिक चार्वाक से जन्म लेने वाले जो भगवान से प्राप्ति नहीं करते, और एक वो हैं जो प्राप्ति तो करते हैं लेकिन ना के बराबर। आर्य समाजी प्राप्ति की और न की बराबर हो जाता है। इसलिए 700 ब्राह्मणों से उत्तम वो एक सूर्यवंशी कुमार गाया जाता है, और 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या मानी जाती है। कौन से 100 ब्राह्मणों से उत्तम? जो सूर्यवंशी माला बनती है उस सूर्यवंशी माला में कितने ब्राह्मण होते हैं? है 100। वो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम होती है। हाँ, ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन कहते हैं, है? चार मुख वाला और पांच मुख वाला कहते हैं, लेकिन मुकर्रर रस तो एक ही है। बाकी कितने बचे है? चार बचे। उन चार में जगदम्बा सरस्वती का पार्ट क्या है? है या नहीं है?
है ना। ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। जिस कोटि का ब्रह्मा उसी कोटि का विष्णु। विष्णु की चार भुजाएं, दो ऊपर की और दो नीचे की, दो राइटियस और दो लेफ्टियस। तो चारों भुजाओं में श्रेष्ठ भी पता चलता है और निश्रेष्ठ भी पता चलता है। जो दो भुजाएं ऊपर है वो क्या कहेंगे उनको? श्रेष्ठ कहें या निकृष्ट कहें? श्रेष्ठ पार्टधारी है जो ब्रह्मा से विष्णु बनती है। वो कौन कौन सी भुजाएं हैं? वो कौन सी आत्माएं रूपी भुजाएं हैं, सहयोगी हैं, जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती हैं ऊपर की जो भुजाओं के रूप में? कौन कौन है? हैं ओम राधे और जगदम्बा और वैष्णवी। ये ऊपर की दो भुजाएं हो गई, परंतु उन दोनों में भी श्रेष्ठ कौन है और निष्कृष्ट कौन है? हैं श्रेष्ठ ओम राधे और लेफ्टिस्ट भुजा वैष्णवी है। संखात में है ना, संसार में चारों ओर शंख ध्वनि कर देती है। उसके निकलने से ही ब्राह्मणों की दुनिया में महाभारत शुरू हो जाता है। क्या एक निकलेगी तो उसके पीछे हजारों निकलेंगी ना? नहीं निकलेंगी तो भागवत हो जाएगी कि नहीं? प्रसिद्ध भागवत प्रसिद्ध हो जाती है। भागवत से पहले चलती है गीता, गीता के बाद भागवत। गीता ज्ञान सुना, सुन करके भागी, और जब भागी तो भागवत बनी, और जब भागवत बनती है तो झगड़ा होगा कि नहीं? झगड़ा होता है, झगड़ा होता है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा झगड़े का नाम क्या है? महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो शंख ध्वनि दिखाई गई है लेफ्ट हैंड में। किसको दिखाई जाती है शंख ध्वनि? महाभारत में पहली पहली शंख ध्वनि कौन करता है? पहला पहला शंख किसने बजाया? कोई को याद नहीं है? देवराज ने बजाया, कृष्ण ने बजाया है, भीष्म पितामह। क्या जो जन्मजात बाल ब्रह्मचारी थे, बाबा ने भी बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। उन सन्यासियों में ज्ञान गंगा भी एक है, लेकिन ज्ञान गंगा से भी बड़ी सन्यासी है वैष्णवी। बचपन से ही कुमारी है। गंगा तो फिर भी सन्यास धर्म की बीज है और वैष्णवी काय की बीज है? चंद्रवंश की बीज है। बीज नहीं कहे,
आधार। परंतु सूर्यवंश को वर्ण करती है इसलिए सूर्यवंशी भी बन जाती है। इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सन्यासी जीवन है वरों शंभु, न तो नहीं तो जन्म जन्मांतर क्या रहूं, कुंवारी बन के रहूं, बाल ब्रह्मचारी। तो महाभारत युद्ध कराने के निमित्त बन गई। और एक भुजा हुई प्रत्यक्ष और दूसरी भुजा को दिखाया गया चक्र। मम्मा को क्या दिखाया गया? चक्र। उनको चक्कर क्यों दिखाया? अरे उनको चक्कर क्यों दिखाया? क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्र पहले पहले नंबर में मम्मा ने चलाया। जो ज्ञान की बातें हैं उन ज्ञान की बातों में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है? जो सबसे मुख्य पॉइंट है ब्राह्मण जीवन का, वो तो पहले भी मालूम था, आत्मा बिंदु है। अणु अणियान सब भक्ति मार्ग वाले भी जानते हैं, आत्मा अनुरूप है। हाँ, मम्मा ने मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान का चक्र चला के ये साबित कर दिया क्या कि परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, लिंग नहीं है, आग का गोला नहीं है, क्या है? बिंदु है। ये ज्ञान का ब्राह्मणों के लिए सबसे मुख्य पॉइंट है या साधारण पॉइंट है? सबसे मुख्य पॉइंट तो यही है। तो ज्ञान के चक्र की शुरुआत किसने की? मम्मा ने की। इसलिए उस हाथ में क्या दिखाते हैं? चक्र दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कृष्ण को चक्र दिखाया है या तो विष्णु को चक्र दिखाया है, लेकिन वास्तव में ज्ञान के चक्र की शुरुआत किसने की? मम्मा ने की। तो मम्मा विष्णु का राइटियस हैंड है, ऊपर वाला हैंड है। तो फिर मम्मा को लक्ष्मी बनना चाहिए। नारी से लक्ष्मी किसको बनना चाहिए? मम्मा को बनना चाहिए। वैष्णो देवी क्यों बनती है? अरे बाबा ने भी कहा देवी तो एक ही है, देवी तो एक ही है, वो एक ही देवी नौ कन्याओं में प्रवेश करके अलग अलग पार्ट बजाती है। इसलिए नौ दुर्गा कही जाती है, नौ देवी कही जाती है। तो जो राइट हैंड है ऊपर वाला विष्णु का, मम्मा का प्रतीक है, मम्मा के पुरुषार्थ का, वो राइटियस पार्ट बजाने वालों में अव्वल नंबर क्यों नहीं है? 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 पवित्र शरीर छोड़ दिया, ये तो और अच्छी बात है। कहते हैं देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, देह भले छूट जाए लेकिन काम पूरा करके छोड़ेंगे, भूत प्रेत बन के भी छोड़ेंगे। तो अच्छी बात है खराब बात है? है? अरे ये लक्ष्य और अच्छा है या खराब है? खराब है। क्यों? अरे कोई आदमी ये पक्का निश्चय कर ले बल मेरा रण भूमि में, युद्ध भूमि में मेरे शरीर छूट जाए लेकिन फिर भी
मैं अपने शत्रु राजा को मार के छोड़ूंगा। पृथ्वीराज ने क्या किया? पृथ्वीराज के लिए भी ये गायन है क्या कि मोहम्मद गोरी ने उसकी आंखें फोड़ दी, फिर भी मरते मरते क्या करके गया है? क्या करके गया? उस शत्रु को, मोहम्मद गोरी को मार के तब मरा। शिवाजी का भी यही नारा था, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। तो अच्छी प्रतिज्ञा है, खराब प्रतिज्ञा है? अरे है अच्छी प्रतिज्ञा है तो ऊंच पद पाना चाहिए है? नारी से लक्ष्मी तो बनी नहीं, कहां बनी? मर जाने ए, ये क्या बात है? मर जाने के बाद तुमको वर्षा मिलेगा? आप क्या मर जाने के बाद वर्षा चाहते हैं? हाँ, बहुत चालाक। मम्मा को मर जाने के बाद मिल जाए बहुत अच्छा, और हमको जिंदा चाहिए। अरे अरे मम्मा को राइट हैंड में ऊंचा वर्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऊपर वाले हैंड में मम्मा आप बल नंबर क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे कोई नहीं बताएगा, बीच में आती बीच। अरे ये तो और अच्छा है, बीच में आया, बीच में चला गया और बड़ा काम कर गया। ये गड़बड़ हुआ कि मम्मा ने ब्रह्मा को फॉलो किया अपने जीवन में, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वालों का भी क्या हाल होता है? हैं? उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, और जिनका शरीर ही छूट गया तो सिद्धि मिली या नहीं मिली? सिद्धि नहीं मिली। इस बात में वैष्णवी आगे चली जाती है। यज्ञ के आदि में जो वैष्णवी थी वो दिल से नहीं झुकी, किसके सामने? ब्रह्मा के सामने। मम्मा दिल से झुक गई और ब्रह्मा को फॉलो किया। जो बड़ी माता थी, जो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, उसने भी ब्रह्मा को ही श्रेष्ठ माना, प्रजापिता को श्रेष्ठ नहीं माना। लेकिन जो छोटी माँ थी यज्ञ के आदि में, उसके दिल के अंदर प्रजापिता बसा हुआ था। सारे जीवन में श्रेष्ठता प्रजापिता की समाई हुई थी या ब्रह्मा की समाई हुई थी? प्रजापिता की समाई हुई। इसलिए वो अगला जन्म लेकर के आगे निकल जाती है और मम्मा पीछे रह गई, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जीवन में। और नीचे की जो दो भुजाएं हैं, ब्रह्मा और जगदम्बा, उनमें भी यही बात है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, जीते जी बाप को नहीं पहचाना। पहचाना? पिछले जन्म में पहचाना है? बाप का साकार रूप
कौन है बाप टीचर सदगुरु, वो पिछले जन्म में पहचाना है नहीं पहचाना, और अभी तक भी नहीं पहचाना। और जगदम्बा ने ब्रह्मा के मुकाबले जगदम्बा ने पहचाना या नहीं पहचाना है, पहचाना आदि में नहीं पहचाना, लेकिन दूसरा जन्म लेकर के बाप को पहचाना। इसलिए पहचानने के बावजूद भी वो लेफ्ट हैंड में क्यों है, राइट हैंड ब्रह्मा क्या क्यों, है ब्रह्मा? हाँ भला दूसरा जन्म लिया जगदम्बा ने, बाप को पहचाना भी लेकिन पक्का निश्चय बुद्धि होकर के नहीं पहचाना। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को पूरा नहीं पहचान पाते, और जगदम्बा उस पहचान में फेल हो जाती है। और गीता का भगवान किसको मानती है, नहीं कृष्ण को मानती है, कृष्ण है गीता का भगवान। अभी भी जगदम्बा की सोल किसको गीता का भगवान मानती है, कृष्ण के साकार पार्ट को ही गीता का भगवान मानती है। इसलिए लेफ्ट हैंड में जो नीचे का हाथ है वो जगदम्बा के जीवन का परिचायक है, कीचड़ की दुनिया में रही पड़ी है, अज्ञानियों के बीच में रहती है या ज्ञानी ब्राह्मणों के बीच में है, कहाँ रही पड़ी है, है? टोटल विषय वैतरणी नदी में रही पड़ी है या क्षीर सागर में कहेंगे कहाँ रही पड़ी है, है? विषय वैतरणी नदी में रही पड़ी है। जैसे और फेलियर ब्राह्मण आत्माएं हैं, फेल हो जाती हैं, तो उनका असर क्या होता है, बाप को पहचान करके और फेल हो जाती हैं तो क्या करती हैं, हाँ हाँ विषय वैतरणी में डूब जाते हैं, बच्चे बच्चियां पैदा करते हैं। उन सब के लिए तो ये गायन है कि अनिश्चय बुद्धि क्या हुए, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो गए, उनका तो पदमान मर्तबा विनाश को पा जाता है। लेकिन जगदम्बा के लिए ये बात नहीं है, क्या क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जगदम्बा ने जो बीज बोया है अर्पणमय होने का, ऐसा बीज और किसी ने नहीं बोया। अगर जगदम्बा अर्पण न हुई होती तो 16,000 अर्पण हो जाती, क्या हो जाती, नहीं होती। इसलिए कीचड़ की दुनिया में भल रही पड़ी है, महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली है, फिर भी भक्ति मार्ग में महाकाली के मस्तक पर कौन बैठा हुआ दिखाया जाता है, शंकर, अर्थात भगवान का असली रूप फिर भी अंदर से खींच रहा है। इसलिए गायन है नैया डोलेगी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि इस शरीर रूपी नैया का खेवैया कौन है, है?
जो बाबा खेवैया है वो नवैया डूबने नहीं देगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो ब्रह्मा की पूजा हो या ना हो, दाढ़ी मूछ वाले की, लेकिन जगदम्बा की पूजा होगी। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन कहते हैं, उनमें एक तो मुकर्रर रथ हो गया, तो कितने आनन बचे? चार। बाकी चार में जगदम्बा का पार्ट कौन से नंबर का है? है लास्ट नंबर का है। अगर पहचानने में भूल ना हुई होती तो कौन से नंबर का पार्ट होता है? अव्वल नंबर का पार्ट होता। चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर, वो वाली बात हो जाती है।